नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा रेलवे में इन दिनों हो रहा केवल सजावटी काम। गुना के ग्राम सराई पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनवारी और ग्रामवासियों ने किया मंत्री का स्वागत और मंत्री ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बिलासपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने ब्रजभूषण पर साधा निशाना और केंद्र सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। धमतरी के रेत खदानों में हो रहा भ्रष्टाचार, पर्यावरण मंत्रालय के नियमों को किया जा रहा दरकिनार और धड़ल्ले से की जा रही है अवैध रेत डंपिंग। और मध्य प्रदेश में कॉलेज के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, मांगों पर मिली सरकार की लिखित सहमति, कर्मचारियों ने काम पर लौटने की कही बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि तीन ट्रेन एक साथ टकराई और देश के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे में इन दिनों केवल सजावटी काम हुआ है, अहम चीजों पर काम कहीं नहीं हो रहा है। 288 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मैं मृतक के परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो पहली बात तो ये है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा। तीसरी बात यह है कि आज इस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया है, अभी तो जांच का विषय है। यदि दो ट्रेनों के लोग एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेकर चलती है और आपने दो ट्रेनों को जोड़ दिया, 130 हो गया, तो जो स्पान है वो बहुत लंबा होगा और उसके कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हो। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितने ट्रेनें बंद हुई, केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए यात्री ट्रेनें बंद की गई और केवल अब ये है कि आर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है, जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो चुकी है। मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है कि इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं। आरोन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पनपारी हॉट सेक्टर मंडल प्रभारी के साथ मीटिंग करने ग्राम सराई पहुंचे और जहां ग्रामवासियों ने ढोल नगारों के साथ जोरदार स्वागत किया, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री का चंद्र प्रकाश सिंह रघुवंशी और गौतम सिंह रघुवंशी पूर्व सरपंच ने श्रीफल और साफा माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय अब आ चुका है और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाए। कि हम अगले कुछ समय में पूरे मध्य प्रदेश के जो हमारे मंडल हैं और सेक्टर हैं, उस स्तर पर जाकर हम हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं जी, बल्कि जो आमजन है उनसे चर्चा कर रहे हैं जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। विशेषकर जो काम कमलनाथ जी ने किए थे 15 महीने में जी, उनके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं जी। और विशेषकर जो भाजपा के पिछले 3 साल के राज में जी बताए हैं, जो धोखा जनता को मिला है उसके बारे में भी हम उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में है जी, ये सरकार जनबल की धनबल की सरकार है जी। और इन लोगों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे प्रदेश में आप लोगों को परेशान किया है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग आज के समय भाजपा के।
महाकाल लोक में आंधी और तेज बारिश से गिरी मूर्तियों को लोकायुक्त भोपाल ने खुद ही जांच शुरू कर दी है। संगठन के चीफ इंजीनियर एनएस जोहरी ने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पत्र लिखकर मूर्तियों के टेंडर एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर के मूल कॉपी मांगी है। वहीं जोहरी के नेतृत्व में दो सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची और महाकाल लोक में लगी मूर्तियों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने शामिल सदस्यों ने मीडिया के साथ बातचीत करने से साफ मना कर दिया और बता दें कि लंबे समय के बाद लोकायुक्त ने खुद किसी मामलों को जांच में नहीं लिया और इससे सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल है और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि महाकाल लोक के कामों को लेकर दो शिकायत पहले ही हो चुकी है और जिसकी जांच पेंडिंग है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ महिला पहलवान के आंदोलन को लेकर बिलासपुर के जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान महिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष ने ब्रजभूषण के खिलाफ जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार से जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष पिंकी बत्रा ने कहा कि देश में पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा ब्रजभूषण को उसके से हटाया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सीमा घृतेश ने कहा कि केंद्र सरकार एक ओर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पहलवान बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय को नजरअंदाज कर देती है। अगर जल्द से जल्द ब्रजभूषण को पद से हटाकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी महिलाओं देखिए, आज हम यहाँ जो भी हो रहा है जंतर मंतर में और देश की गौरव की बात नहीं है। हमारे मोदी जी 28 तारीख को वहाँ संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और यहाँ हमारी महिला पहलवानों को रौन के लाठी से डंडा से मार के उनका निरंतर अपमान कर रहे थे और वही बेटियां हमारे देश के आन बान शान तिरंगा के लिए विदेशों में नाम कमाते हैं। आज उन्हीं का मेडल को गंगा नदी में बहाने के लिए सब अपने महिला खिलाड़ी निकालते हैं, बहुत ही दुख की बात है। हम सिर्फ मोदी शासन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रजभूषण है, जो गुनेगार है, उनको उनका इस्तीफा करे, उसको गिरफ्तार करे कड़ी कड़ी। खबर धमतरी से, जहां महानदी के रेत खदानों में मशीनों के माध्यम से दिन रात रेत की नियम विरुद्ध अवैध खुदाई की जा रही है। वहीं कुछ खदानों में डंप सेंटर बनाकर अवैध रेत की डंपिंग की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी जनप्रतिनिधियों और माइनिंग विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन सारा मामला लेन देन के चलते आपसी सहयोग से चल रहा है। वहीं इस संबंध में जब रेत खदान जाकर स्थिति का जायजा लिया गया तो पाया गया कि मिलने वाले सारे शिकायतें बिल्कुल सही है। हर रेत खदान में जेसीबी के जरिए खुदाई हो रही थी और पर्यावरण मंत्रालय की गाइडलाइंस का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा था और इसके बावजूद रेत खदान संचालक धड़ल्ले से रेत खदानों का संचालन कर रहे हैं। खदानों के मामले में लगातार प्रमुखता से अपनी बात रखी है। पूर्व में जिस प्रकार हमारे साथ घटनाएं हुई थी और 3 साल की जो टेंडर हुई थी खदाने, वो सबकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार और यहाँ के जो अधिकारी के संरक्षण में और कुछ सफेद कुछ नेताओं हैं जो उनके संरक्षण में यहाँ रेत माफिया पल रहे और ऐसी स्थिति रही। तो महानंदी में आज जो महानंदी से लगे खेतों में जो सिंचाई के लिए पंप डाला गया था वो सब पंप सूख चुके हैं और रेत माफियाएं जो हैं महाराष्ट्र रेत को बेच रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में लोडिंग करके। तो निश्चित ही मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि अधिकारियों और जो सफेद पोस्ट नेता लोग हैं उनकी संरक्षण इस पे मिल रही है। आपका यहाँ का काम करता आप? लेखा ही काम रेत रैल्टी वगैरह काटता हूँ। अच्छा, ये खदान का करे है? हम ये नागू दाऊ है और आशीष लनवानी। नागू दाऊ आऊ आशीष लनवानी। ये जो है यहाँ रैल्टी कति लेते हो? हम 10 चक्का का गाड़ी है और 12 चक्के गाड़ी के 10 चक्का के 1500 और 12 चक्का के 1800। अभी तो जो लोडिंग करे थे लोडिंग अलग से काट दो, लोडिंग पर्ची कि एक साथ दे दो पर्ची लोगर
अलग से देता हूँ। अभी तक की गाड़ी यहाँ से निकल चुके हैं, 34-35 गाड़ी निकले हैं। और थोड़ा देख लो काका किस टाइप की क्वालिटी है। महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जीवनदायी नदी है और सरकार के द्वारा नियम अनुसार रेत का ठेका दिया गया ठेकेदारों को, लेकिन वो नियमों का पालन एक भी नहीं कर रहे हैं। एनजीटी ने तरह वहाँ पर नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिए, नियम से वहाँ पर जिस प्रकार से चेन माउंटिंग किया जा रहा है, मशीन उपयोग तो कर रहे ही नहीं, जहाँ पर मशीन उपयोग किया जा रहा है इस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित किया जा रहा है। नदी रेत खनन जो है अभी इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है कि अब वहाँ पर से मिट्टी निकलना चालू हो चुका है, चट्टाने दिखना चालू हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा रेत शीरहरण किया जा रहा है रेती का कि आने वाले दिनों में हम अपने संस्कृति को पूरी तरह से मतलब हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और आने वाले दिनों में हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। स्थिति धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता के भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। हमारे धमतरी जिले में टोटल 25 खदानें शुरू थी और जो भी खदान चल रही है उसमें विधिवत रॉयल्टी जारी कर फिर पैसे दिए जा रहे हैं। कितनी खदानों का भी जो है अवधि समाप्त हो चुका है सर? वो तो मैं लिस्ट देख के बता पाऊंगा। जहां जहां शिकायत आ रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में भी जहां जहां पे अवैध मशीन चला रहे थे वहां पे कार्रवाई की गई है, कार्रवाई करेंगे। जहां जहां पे शिकायत मिलता है मशीन वहां पे कार्रवाई की गई। मशीन तो अभी भी लगा है सर मिट्टी में, तो जैसे हमारा इंस्पेक्टर जाएगा चेक। मध्य प्रदेश में लिखित आश्वासन के बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने काम पर लौटने का सहमति दे दी है और वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए मांगों को मान दिया है और ऐसे में सभी कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करते हुए काम पर लौटने का फैसला लिया है। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल स्थगित करने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा भी समय पर होने का आसार अब नजर आ रहे हैं। प्रदेश के समस्त 9 विश्वविद्यालयों के कर्मचारी विगत 19 दिनों से आंदोलन पर थे अपनी 9 सूत्री मांगों के लिए। सरकार से निरंतर हम प्रयास कर रहे थे कि चर्चा हो और चर्चा के माध्यम से उसका निराकरण हो। कल ACS महोदय श्री आर के गुप्ता जी द्वारा हमारे संघर्ष समिति के सदस्यों को चर्चा के लिए बुलाया गया और उस पर अंततः सहमति बनी कि हमारा जो पेंशन है वो उसका सातवें वेतनमान से पेंशन है उसका 3 महीने में हम निराकरण कर देंगे। वर्तमान में अभी 6ठे वेतनमान से हमको जो 140% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको तत्काल उन्होंने 201% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति हुई। वर्तमान में प्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारियों का और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 6ठे वेतनमान से जो महंगाई राहत है वो बराबर हो चुका है। इसके साथ ही हमारे 2007 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी थे स्थायी कर्मी जिनका वेतन रुका था उनका वेतन रिलीज हो गया। विश्वविद्यालय में उनको 1 तारीख को उनके खाते में वेतन रिलीज हो गया। साथ ही विश्वविद्यालय में जो स्थायी कर्मी थे उनको नियमितीकरण का मामला है वो विश्वविद्यालय में उसकी रोस्टर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और निश्चित ही आगामी सप्ताह में उनका नियमितीकरण भी हो जाएगा। इसके साथ ही जो प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय में हमारा जो मेडिक्लेम योजना है उसको लागू की जाए, विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों के साथ ही देवी विश्वविद्यालय में योजना लागू हो चुकी है, संभवतः अगले माह। बहर में भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और जिसके तहत मनाया जाएगा। आपको बता दें कि जिला संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर निर्मल चक्रधर के मार्गदर्शन में कई स्कूलों के विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों के साथ मिलकर NSS ने साइकिल रैली निकाली और वहीं रैली से पहले NSS के जिला संगठन प्रोफेसर चक्रधर ने बच्चों को साइकिल का महत्व समझाया और साइकिल का वहीं ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की शपथ भी दिलाई।
छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रथम चरण में 11 जून को परिवार सहित राजधानी में धरना प्रदर्शन और दूसरे चरण में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की योजना बनाई। और बता दें कि बीते 21 मई को रायपुर में विभिन्न अनियमित संगठनों के पदाधिकारियों ने एक बैठक में यह निर्णय किया कि बता दें कि कांग्रेस ने सरकार बनाने पर प्राथमिकता के आधार पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, जिसको लेकर अनियमित कर्मचारी आंदोलन की राह अख्तियार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा अपने 5 सूत्री मांग समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण निकाले गए और साथियों की बहाली, अंशकालीन कर्मचारियों की पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने एवं दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित नियमित भर्ती बंद करने की मांग को लेकर के 11 जून 2023 रविवार को विशाल धरना प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पूर्व प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4.5 साल से अधिक समय होने के उपरांत भी सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के बारे में किस प्रकार की निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जिससे प्रदेश के अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित है और अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। सरायपाली और बसना ब्लॉक में इन दिनों मनरेगा का कार्य जोरों से चल रहा है और कई ग्राम पंचायतों से मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। और वही मामला ग्राम पंचायत बाराडोली का सामने आया है, जहां मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करके फर्जी मास्टर रोल भर के और अपने निजी हितग्राहियों के नाम से पैसों का आहरण किया जा रहा है, और जिसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को कमीशन देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद सीईओ को लिखित शिकायत की है। वहीं मामले में ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा काम में सिर्फ 70 हितग्राही ही काम पर जाते हैं, लेकिन सरपंच सचिव के मनमानी के चलते लगभग 250 हितग्राहियों के नाम से फर्जी मास्टर रोल भर के पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। वही मामले में जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि मामले की जल्द से जांच कराई जाएगी और ग्रामीणों को दोषी पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काम चल रहा है सराल तराप के नाम से, जहां पर वहां काम चल रहा है 70-80 आदमी आ रहे हैं काम के लिए और नरेगा में मतलब वे लोग 200-250 व्यक्तियों का मतलब मशहूर भर के मतलब फर्जी आहरण कर रहे हैं जी। क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जांच हो और उचित कार्रवाई हो। किस बात को लेकर आप सरपंच से सब बात कर रहे हैं, सरपंच क्या कहें? वो सरपंच स्पष्ट बोलते हैं कि मैं काम के लिए मतलब ऊपर से मैं कमीशन देता हूं अधिकारी लोगों को और मैं काम लाता हूं, इसलिए मतलब एक्स्ट्रा भरा जाता है बोलकर वो लोग हमको ऐसे जवाब देते हैं। ये शिकायत पत्र आज ही मेरे को मिला है, सजय तालाब प्राधिकरण का है, इसमें आधे मजदूरों को फर्जी दिखाया गया है करके आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अपने स्तर पर जांच टीम गठित की जाएगी और गलत करने वाले ऊपर जनपद स्तर पर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पिछले महीने अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात सामने आई थी, जहां बदमाश सोने मकानों से सोने चांदी के गहने और नकदी राशि पर हाथ साफ कर फरार हुए थे। तब से ही पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी और आरोपियों की तलाश में पुलिस ने आसपास के करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों में गोपाल तनवर और कृष्णा उर्फ किन्ना चौहान को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है और दोनों बदमाशों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। और वही आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम सोने का आभूषण, आधा किलो चांदी के आभूषण और 1.5 लाख रुपए नकदी भी पुलिस ने बरामद किए हैं। हाँ, ये अभी पिछले मई माह में थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में 3 नकबजने की वारदात हुई थी, जिसमें 2 नकबजनी की वारदात दिन दहाड़े हुई थी, दिन में हुई थी और सोने घर में नकबजनों ने सेम लगा के दरवाजा के ताला तोड़ के अंदर घुसकर चोरी की थी, जिसमें हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम गठित की थी, क्योंकि 3 घटनाएं हो चुकी थी मई महीने में
और अक्सर गर्मियों के समय पूर्वक हमारी टीम ने घटना स्थल से लगा के जहां भी संभव हो सकते थे उन सभी स्थानों की सीसीटीवी फुटेज देखे। सीसीटीवी फुटेज में लगभग हमारी टीम ने 150 सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज देखे और जो हुलिया हमें उन बदमाशों के मिले थे, कुल दो बदमाश थे, उस हुलिया के आधार पर उनको हमारे मुखबिर तंत्र को उसमें एक्टिव करके और मुखबिर की जानकारी के आधार पर जो सूचना हमें मिल रही थी उसके आधार पर और सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त उनके फोटो थे उस जो हुलिया था उसके आधार पर हमने दो बदमाशों को धर दबोचा है। इंदौर के सराफा चौपाटी में ग्राहक और दुकानदार के बीच आपसी विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर थाने ले आई और जहां दोनों पक्षों के आपसी राजीनामे के बाद पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और फिलहाल पुलिस ने दोनों ही पक्षों को हिदायत देकर छोड़ा है। थाना सराफा में जो है वो रात में जो है किसी दुकानदार का किसी ग्राहक के साथ में जो है आपस में किसी बात पर विवाद हो गया था जिस पर दोनों आपस में उलझ गए थे। पुलिस ने उनको वहाँ पे मौके पर ही कंट्रोल किया था और उसके बाद से फिर दोनों को थाने भी लाए थे, लेकिन दोनों का चूंकि आपस में जो भी विवाद था वो समाधानित हो गया था, उनका राजीनामा हो गया था, तो फिर दोनों लोगों ने किसी ने भी थाने। बिलासपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान चलाकर नशे को रोक लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर गैंगवार की घटना लगातार पुलिस पर नाकामी का दाग छोड़ रही है और एक बार फिर सरेआम दो गुटों में मारपीट की घटना देखने को मिली और जानकारी के अनुसार बता दें कि दोनों गुट कांग्रेस समर्थित है और ये लड़ाई पोस्टर में फोटो न लगाने एक गुट के दूसरे गुट के प्रति खुन्नस रखने को लेकर हुई है और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं मौके पर तार बाहर थाना की टीम भी मौजूद रही और वहीं आपसी रंजिश में घायल हुए युवक को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल भेजा गया और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। तंत्र का हत्या किया जा रहा है। अभी देखिए पुलिस वाले की सामने में गाड़ी थी, पुलिस वाले भी देखे हैं, पूरा वीडियो भी वायरल हो गया है। उसके सर में इतनी गंभीर चोट है, उसके सर को लेटा हुआ था, उसको स्टिकी स्टिक रॉडी रॉड मार रहे थे। अभी पुलिस थाने में हम लोग लगभग 6 बजे से खड़े हुए हैं, 4 घंटा हो गया लगभग, और हमारा अभी तक FIR नहीं किया जा रहा है। कह रहे हैं कि नॉर्मल मुचलका धारा लगाएंगे, मतलब नीचे तबके के जो लोग हैं उनको, ऊंचे तबके के लोग, जो नीचे तबके के लोग आज आगे बढ़ रहे हैं राजनीति में, राहुल गांधी जी के साथ कदम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं या भूपेश बघेल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनको ऊंचे तबके के लोग एक षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है या उनको खत्म किया जा रहा है। लगभग जिस हिसाब से मार रहे थे मेरे को लगता है कि जान से मारने की उनकी साजिश थी। नितेश ठाकुर थे, मैं बाकी लोगों को तो नहीं पहचानता, मैं भी उस गाड़ी में बैठा था, जिला अध्यक्ष भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे। हम लोग के सामने आए और सीधा मारना चालू हो गया, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होता है कि नोकझोंक तो चलते रहता है लेकिन इस प्रकार का मारपीट नहीं होता है। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना। हमको तो ये नहीं मालूम भैया, मैं बिलाई विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, हमारे आज संभाग प्रभारी आए हुए थे मुजस्सम नजर जी, हम मैं उससे मिलने आया था। थाने में कह रहे हैं कि मुचलका धारा लगाएंगे, वही नॉर्मली सा, जिसमें रिपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। सुनील साहू, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, बिलाई। इंदौर के सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के पास कॉस्मेटिक की दुकानों के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान व्यापारियों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें 7 लोग चाकू लगने से घायल हो गए और वहीं चाकूबाजी और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पार्किंग को लेके मकान मालिक और दुकानदार के बीच में विवाद हुआ था, उसी को रंजिश में रख के वहाँ झगड़ा किए थे, जिसमें से दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और जिन्होंने मारपीट की है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई जारी है। क्या बैकग्राउंड सामने आया सर? मैन जो घटना का कारण समझ में आया वो पार्किंग थी, पार्किंग को लेकर विवाद। सीसीटीवी में दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं।
शिवपुरी नगर पालिका ने अपने चार पानी के टैंकर चोरी होने का मामला दर्ज कराया है, जबकि सूत्रों के मुताबिक पानी के टैंकर कोरोना काल यानी दो साल से ही गायब है और जिसके चोरी होने की रिपोर्ट अब दर्ज कराई गई है। जबकि चर्चा तो यह भी है कि नगर पालिका के सभी जिम्मेदारों को पता है कि टैंकर कहां है और कैसे है। ये चोरी करके ले जाए गए ये जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण वापस नहीं मिल सके हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस SDOP खुद मामले की जांच करने में पहुंचे हैं। कोतवाली में टैंकरों की चोरी के संबंध में केस रजिस्टर्ड है, चार टैंकर नगर पालिका से चोरी गए, उसकी जांच के संबंध में हम लोग यहाँ आए। सर कहीं जांच में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है, क्लियर होगा तो बताएंगे। कितने टैंकरों का मामला है सर? चार टैंकरों का मामला, चार टैंकर चोरी। हमारी श्रीमंत महाराज साहब ने विधायक निधि से 14 टैंकर दिए थे नगर पालिका को, जिसमें से चार टैंकर हमारे चोरी चले गए। अभी हमको टैंकरों की जरूरत पड़ी तो हमने टैंकर देखे तो हमारे चार टैंकर नहीं थे। यहाँ कर्मचारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।